रेल्म्स, ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में दो बैंक लुटेरों को दिखाया है जो तीन लोगों को बंधक बना लेते हैं और एक ऐसे घर में जाकर छुप जाते हैं जो एक जंगल में है। जैसे ही बंधक भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि इस घर में बुरी ताकतें हैं। दोस्तों, ये स्टोरी और कंसेप्ट मुझे अच्छे लगे, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन और प्रेजेंटेशन मुझे पसंद नहीं आया। इसका डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन परफॉर्मेंसेस मुझे काफ़ी एवरेज लगे। कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया गया है, ना ही कहीं पर कहानी में हमारा इंटरेस्ट बन पाता है। इसके हॉरर सीन्स भी मुझे पसंद नहीं आए, ना ही यह मूवी कहीं पर आपको डराती है। इसमें कहीं पर भी आपको थ्रिल, टेंशन या फिर एक्साइटमेंट फील नहीं होगी। एंडिंग में एक मिस्ट्री है, लेकिन वो भी मुझे पसंद नहीं आई। स्क्रीन प्ले भी मुझे काफ़ी स्लो और बोरिंग लगा, और सिनेमाटोग्राफी भी बिलो एवरेज थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुककर आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट ऑफ़ अस टीवी सीरीज़ के एपिसोड 1 का रिव्यू कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उसे आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंडिंग में वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमारे मूवी रिव्यू पर वापस आते हैं। हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन प्रो ऑडियंस को यह मूवी ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है और मूवी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी करती है। ओवरऑल ये एक बिलो एवरेज, डिसअपॉइंटिंग और टाइम वेस्ट करने वाली मूवी है, और मैं इसे दूंगा 2 out of 10। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वो टाइम सिर्फ अच्छी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ देखने में इन्वेस्ट हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।